तो वहीं एलएसी पर पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सैन्य टकराव के बीच भारत ने अमेरिका से 73,000 अतिरिक्त सिग सॉर असॉल्ट राइफल की खरीद करेगा। इसके लिए भारत ने अमेरिका के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। इससे पहले सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 72,400 ऐसी राइफलें खरीदी गई थी। ये राइफलें 500 मीटर की प्रभावी मार रेंज वाली हैं। इन राइफलों को चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर तैनात पैदल सेना बटालियनों को दिया जाएगा। यह 837 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। तो चलिए जानते हैं सौदे की वजह क्या है। भारत में रूसी AK-203 कलाश्निकोव राइफल्स के निर्माण में देरी के कारण फरवरी 2019 में अमेरिकी फर्म सिग सॉर के साथ फास्ट ट्रैक खरीद माप के तहत 647 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। इसके तहत 72,400 सिग 716 राइफल्स यानी कि सेना के लिए 66,400, IAF के लिए 4,000 और नौसेना के लिए 2,000 का पहला लॉट आयात किया गया था। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिछले साल दिसंबर में अतिरिक्त 73,000 सिग 716 राइफल्स की खरीद के लिए मंजूरी दी थी। समानांतर रूप से सेना भी 40,949 हल्की मशीन गन खरीद रही है। इसे अगस्त 2023 में DAC ने अनुमानित 2,165 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी थी।